दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ठंडन गोपाल का सेकंड पार्ट, जिसका नाम है एक आंख वाला गधा। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं पढ़ा तो आप मेरे चैनल की वीडियो प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर मनोज स्टोरी के नाम से एक फोल्डर होगा, उसके अंदर आपको वो कॉमिक्स मिल जाएगी जिसका नाम है ठंडन गोपाल और डाकू फक्कड़ सिंह। तो पढ़ते हैं एक आंख वाला गधा। अगर आपने वो कॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़िए, नहीं तो आपको स्टोरी कुछ भी समझ में नहीं आएगी। ये एक बहुत ही मज़ेदार सीरीज है। तो जो स्टोरी यहाँ पर ये इसके फर्स्ट पार्ट की है वो आप मेरे चैनल पर जाकर पढ़ लीजिए, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। न जाने क्यों एक आंख वाले गधे को ठनठन गोपाल की हालत पर तरस आ गया और वह भी उन डाकुओं के पीछे चल पड़ा। ठनठन गोपाल को लेकर अपने गुप्त अड्डे में अपने सरदार के पास पहुँचे। सरदार, यही है वह व्यक्ति जिसके बारे में तुमने कहा था, लेकिन सरदार इसके पास से तो हमें कुछ नहीं मिला। असंभव, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मेरी ज्योतिष विद्या कभी गलत नहीं हो सकती। वो कितना सजीला नौजवान है, लेकिन अफसोस, पता नहीं बापू इसे जिंदा भी छोड़ेंगे या नहीं। परंतु इस बार ऐसा ही हुआ है सरदार, हम इसकी अच्छी तरह तलाशी ले चुके हैं। लगता है तुम्हारी ज्योतिष विद्या में जरूर कहीं भूल हुई है। बंद करो अपनी बकवास, अभी असलियत तुम्हारे सामने आ जाएगी। यह मूर्ख मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। क्यों बे छोकरे, सच सच बता, तेरा नाम ठनठन गोपाल ये है ना? यह बिल्कुल सच है सरदार। तुम्हें राजा दुर्जन सिंह ने ही काफ़ी सारा धन देकर जंगल पार शिव घाटी के राजा को देने के लिए भेजा था ना? बिल्कुल सरदार, यह भी सच है। क्यों रे लड़को, देख रहे हो मेरी ज्योतिष विद्या का चमत्कार? जैसा मैंने कहा था वैसे इसने कहा है ना? हाँ सरदार, लेकिन अभी तुम्हें उस धन के बारे में भी मालूम हो जाएगा। देखो बच्चे, अभी तक तुमने सच कहा, इससे हम तुमसे प्रसन्न है। अब तुम सच सच यह भी बता दो कि 9 लाख हार, 4 लाल और बेशकीमती हीरा तुमने कहाँ छुपाए हैं, तो हम तुम्हें खुशी खुशी छोड़ देंगे। वरना सरदार, यह सच है कि 9 लाख हार आदि मेरे पास थे, लेकिन जब मैं जंगल में एक जगह आराम कर रहा था तो एक गधा उन्हें घास समझकर चर गया। बंद करो अपनी बकवास और चुपचाप उस धन के बारे में बता दो, वरना मैं तुम्हें कच्चा जबत चबा जाऊंगा। सरदार, मैं जानता हूँ कि आपके दांत बड़े पहने और मजबूत हैं, मुझे और मेरी हड्डियों को अच्छी तरह चबा सकते हैं, लेकिन मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह भी सच है। विश्वास नहीं हो तो अपनी ज्योतिष विद्या से मालूम कर लो। ओह हाँ, अभी मालूम करता हूँ। डाकू फक्कड़ सिंह उसी समय ध्यानमग्न हो गया। देखना यह है कि यह ज्योतिष विद्या का ज्ञाता असलियत का पता लगा पाता है अथवा नहीं। सिगरी, ओह नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ सरदार, ऐसा पहली बार हो रहा है। वह धन वास्तव में इसके पास नहीं है, लेकिन मैं यह पता लगाने में भी असमर्थ रहा हूँ कि वह धन इसने कहाँ छिपाया। मैंने छिपाया नहीं है सरदार, मैं सच कह रहा हूँ कि उस धन को एक गधा चर गया है। अरे मक्कार, मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत कर। यदि वह धन को एक गधा खा गया होता तो मैं अपनी ज्योतिष विद्या से उसका पता लगा लेता। वह धन किसी गधे ने नहीं खाया, बल्कि तूने किसी ऐसी जगह छिपाया है जो मेरी ज्योतिष विद्या की सीमा से बाहर है। सच सच बता, कहाँ छिपाया है तूने वह धन, वरना मैं तुझे जिंदा जमीन में गड़वा दूंगा। मेरी बात पर एक यकीन करो सरदार, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम यूँ सच नहीं बोलने वाले, ठहरो मैं भी तुम्हारा सही इलाज करवाता हूँ। छोकरो, बार मैदान में अलाव जलाओ और इसे एक बल्ली से बांधकर जंगली सुअर की तरह भूनो, तब यह अपने आप सब कुछ बता देगा। आखिरी वही हुआ जिसका डर था। तुरंत सरदार के आदेश का पालन हुआ और आह हाय, मर गया बेचारा, काश मैं इसे किसी तरह बचा पाती। अरे मूर्ख, यदि तुझे धन से ज़्यादा अपने प्राण प्यारे हैं तो अब भी सच बता दे कि तूने वह धन कहाँ छिपाया है। उफ, अब तो सच की जगह झूठ ही बोलना पड़ेगा, तभी जान बच सकती है। ठहरो सरदार, मुझे आज़ाद कर दो, मैं तुम्हें उस धन के बारे में बताने के लिए तैयार हूँ। अब आए ना रास्ते पर, तुम जैसे लोगों का इलाज मैं अच्छी तरह करना जानता हूँ। बताओ कहाँ छिपाया तुमने वह धन, पहले मुझे इस अलाव से बाहर करो, फिर सब कुछ बता दूंगा। नहीं, पहले तुम्हें उस धन के बारे में बताना होगा। जिद मत करो सरदार, यदि वरना याद रखना, यदि मैं मर गया तो वह धन तुम भी जीवन भर नहीं पा सकोगे। साला, कह तो ठीक ही रहा है, अगर कमबख्त मर गया तो मुझे एक बड़े खजाने से व्यर्थ ही हाथ धोने पड़ेंगे। ठीक है, खोल दो इसे। फकर सिंह के आदमी ने ठनठन गोपाल को बंधन मुक्त कर दिया। हाँ बताओ कि तुमने वह धन कहाँ छिपाया है। मुझे कुछ दिन का समय ले लेना चाहिए ताकि इनके चुंगल से निकल भागने का कोई उपाय ढूंढ सकूं।
वैसे भी मेरी धमकी सरदार पर असर कर चुके हैं, अब यह मुझे इतनी जल्दी मारने से रहे। सरदार को मुझे समय देना ही पड़ेगा। क्या सोच रहे हो मक्कार, जल्दी बताओ कहाँ छिपाए तुमने वह धन। सरदार, उस धन के बारे में मैं तुम्हें आज से ठीक 4 दिन बाद बताऊंगा, तब तक मुझे अपने आराम से रहने दो। क्या मतलब? मतलब ये है सरदार की घर से चलते हुए मुझे मेरे गुरु ने यह कहा था कि यदि सफ़र के दौरान तुम कभी किसी ऐसी मुसीबत में फंस जाओ तो कम से कम 4 दिन का समय अवश्य लेना, वरना तुम उसी दिन मर जाओगे। और हो सकता सरदार की धन का पता चलते ही तुम इसी समय मुझे मौत के घाट उतार दो, इसलिए मैं गुरु जी के आज्ञा का उल्लंघन की किसी भी हालत में नहीं कर सकता। लेकिन यदि मैं चाहूँ तो धन प्राप्त किए बिना ही तुम्हें इसी समय मौत के घाट उतार सकता हूँ, और हो सकता 4 दिन बाद धन का पता मिलने के बाद भी तुम्हें मार डालूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ सरदार कि तुम बिना धन पाए मुझे हरगिज नहीं मारोगे। आखिर वह धन कोई छोटा मोटा नहीं है, लाखों स्वर्ण मुद्राओं का है जो तुम्हें मुफ्त में मिलने वाला है। फिर 4 दिन बाद तो मुझे दुनिया में की कोई शक्ति नहीं मार सकती, ऐसी मेरे गुरु की भविष्यवाणी है। आखिर वह कोई छोटे मोटे ज्योतिष तो है नहीं। ओह, कुछ सोचने विचारने के पश्चात, बलवान सिंह तुम इसे कमरा नंबर 4 में ले जाओ और वहीं से ठहराओ, हम 4 दिन इसके उत्तर का इंतजार करेंगे। सरदार, तुम व्यर्थ इस धूर्त की बातों में आ रहे हो, तुम मुझे आगे दो, मैं भी इससे सब कुछ उगलवा लेता हूँ। मार के आगे तो भूत भी भागता है। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरी ज्योतिष विद्या भी उसके ऊपर अत्याचार करने को मना करी है, अतः जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो। हाँ, यदि 4थे दिन इसने हमें धन का पता नहीं बताया तो फिर इसका भगवान भी इसे मौत से नहीं बचा पाएगा। ठीक है सरदार, जैसा तुम उचित समझो। छोटा सरदार बलवान सिंह उसी समय ठन गोपाल को कमरा नंबर 4 में छोड़कर वापस लौट गया। तब सुनो बेटा कामनी, आज से 4 दिन तक के लिए उसके देख खाने पीने और सुख सुविधा की जिम्मेदारी तुम पर है, उसकी देखभाल एक मेहमान की तरह ही करना। जी बापू। डाकू फक्कर सिंह की बेटी कामनी, जो पहली नज़र में ही ठन गोपाल पर मोहित हो चुकी थी, अपने पिता का आदेश सुनकर मन प्रसन्न उठी। कम से कम 4 दिन तक तो मुझे उस नौजवान के पास रहने का मौका मिलेगा। तभी डाकू फक्कड़ सिंह ने अपने अन्य साथियों को संबोधित किया। साथियों, 10 आदमी आके निगरानी करेंगे, बाकी सब मेरे साथ चलो। मेरी ज्योतिष विद्या बता रही है कि एक और धनी शिकार हमारे इलाके में प्रवेश कर चुका है। हुर्रे। इसके बाद वहाँ 10 आदमियों को छोड़कर सभी डाकू फक्कड़ सिंह के नेतृत्व में वहाँ से एक दिशा से में चल पड़े, जबकि कामनी 10 व्यक्तियों के साथ अड्डे पर रुकी थी। अपने पिता के वहाँ से जाते हुए वह भोजन लेकर ठन गोपाल के पास पहुँचे। लो खाना खा लो, यदि इस लड़की को किसी तरह अपने प्रेम जाल में फंसा लिया जाए तो यहाँ से आसानी से निकला जा सकता है। और कुछ सोचकर वह बोला, खाना हूँ, यहाँ जान पर बनी है और तुम खाने की बात कर रही हो, यहाँ भूख किसे है। ठन गोपाल को उदास और परेशान देखकर डाकू की बेटी विचलित उठी। मैं जानता हूँ कि तुमने बापू से झूठ बोलकर अपनी जान बचाई है, दरअसल तुम बापू को उस धन का पता बताने ही नहीं चाहते। क्या तुम अपने पिता से भी ज़्यादा ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखती हो? जी नहीं, मैं ज्योतिष विद्या के विषय में कुछ नहीं जानती, यह मेरा विचार है। तो सुनो, तुम्हारा विचार तुम्हारे पिता के अनुसार ही गलत है। न तो मेरे पास वह धन ही है और न मैंने उसे कहीं छिपाया है, वह धन वास्तव में एक गधा खा गया है। ओह, तब तो तुम्हारी जान वास्तव में खतरे में है, असलियत का पता चलते ही बापू तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। सच मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है, जब मुझे इतनी हमदर्दी है तो मुझे तुम यहाँ से भागने में मेरी मदद क्यों नहीं करती? बेकार में हमदर्दी जताने का नाटक क्यों कर रही हो? काश मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाती, यहाँ से निकलना कोई ऐसा आसान काम नहीं। बापू के आदमी अड्डे के चारों ओर नाकेबंदी किए रहते हैं, वरना मैं भी कब की यहाँ से भाग चुकी होती। क्या? हाँ यूँ कि ऐसा सच, मैं स्वयं यहाँ से भाग जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी गंदी जिंदगी से उकता चुकी हूँ। कामनी की बात सुनकर ठन गोपाल के नए विचारों में खो गया। इधर बाहर, अरे वह देखो, एक गधा हमारे किले में घुसा है। एक आंख वाले गधे को देखकर उनका साथी डाकू चौंक उठा। ओ, एक आंख वाला गधा, क्या बात है रघु, तुम उस गधे को देखकर चौंके क्यों? तुम्हें शायद उस कैदी ठन गोपाल की बात ध्यान नहीं, वह बार बार यही कह रहा था कि उसके पास जो धन था उसे एक आंख वाला गधा खा गया। यानी तुम्हारे कहने का मतलब है कि यह वही गधा है? शायद।
यदि ऐसी बात हो तो चलो उसे पकड़ते हैं, यदि धनिष के पेट में हुआ तो चीर कर निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो यदि वास्तव में इसके पेट से हमें वह धन मिल गया तो सरदार खुश हो जाएगा। तीनों डाकू अपनी अपनी तलवारें संभालकर एक आंख वाले गधे की ओर दौड़ पड़े। अब यह और बात थी कि उन्हें अपनी ओर आते देखकर एक आंख वाला गधा भी चौंकना उठा था। जरूर वे मुझे पकड़ने आ रहे हैं ताकि मेरे पेट से वह अमूल्य धन निकाल सके, हूँ बेचारे। और जैसे वे डाकू गधे के करीब पहुँचे, आह उफ दुलती बजाड़ दी। एक आंख वाला गधा वास्तव में उन दोनों डाकुओं के लिए एक जबरदस्त लड़ाका साबित हुआ। हाय बचाओ, उफ मरा बचाओ, अपने साथियों की चीख सुन आसपास मौजूद अन्य डाकू दौड़े दौड़े वहां पहुंचे। अरे वह गधा तो हमारे साथियों की पिटाई कर रहा है, कमबख्त की इतनी हिम्मत के मारे अड्डे में घुसकर हमें ही ललकारे, आओ चल कर उसकी खबर लेते हैं। परंतु जैसे वे भी गधे के निकट पहुंचे, हाय आह सबको लात मार रहा है, अरे बाप रे मर गया आई। और एक आंख वाला गधा उन पर आक्रमण करता हुआ उन्हें छकाता हुआ उनके अड्डे में इधर उधर दौड़ाने लगा। पकड़ो मारो, बचकर नहीं जाना चाहिए। उधर कमरे के भीतर कामनी ठन ठन गोपाल को भोजन करा रही थी कि पकड़ो बचकर जाने ना पाए, वो यह शोर कैसा। दोनों तुरंत कमरे से बाहर निकले। अरे अरे यह क्या हो रहा है, यह गधा यहाँ कहाँ से आ गया, आह यह तो वही एक आंख वाला गधा है जिसने मेरी धन की पोटली निगल ली थी। क्या तुम सच कह रहे हो, झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि वह यह यहाँ कैसे आ गया, लगता है यह कोई साधारण गधा नहीं है। तभी गधे की भी नज़र ठन ठन गोपाल पर पड़ी। यह खजाने का स्वामी, मौका अच्छा, मुझे उसे लेकर निकल भागना चाहिए। और गधा पलक झपकते ही ठंड गोपाल के पास पहुंच गया। दोस्त जल्दी से मेरी पीठ पर सवार हो जाओ वरना फिर तुम्हें ऐसे निकलने का मौका नहीं मिलेगा। आए तुम इंसानी बोली भी जानते हो, कौन हो तुम, बेकार की बातों में समय मत गवाओ दोस्त, समय कम है, जल्दी से मुझ पर सवार हो जाओ, बाकी बातें बाद में होंगी। ठीक है, और ठंड गोपाल एक ही छलांग में गधे की पीठ पर सवार हो गया। ठहरो गोपाल मेरे प्रियतम, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, कृपया मुझे भी साथ ले चलो। क्यों भाई ले चलूँ इसे भी साथ, जो करना जल्दी करो, दुश्मन निकट आ पहुँचे। गधे का मुँह कैसा हो रखा, तुम भी चलो कामनी, जल्दी से मेरे पीछे सवार हो जाओ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्रियतम। और कामनी जैसे गधे की सीट पर सवार हुई, गधा तेज गति से अड्डे के बाहर की ओर दौड़ पड़ा। अरे पीछा करो उसका, वह बदमाश कैदी बिटिया रानी को भी ले जाना ले भागा है, जरूर वह गधा उसी कैदी का होगा। दो तीन डाकू वहीं अड्डे पर रुक गए और बाकी सभी घोड़ों पर सवार होकर गधे का पीछा करने लगे। उब हम तो उसे नहीं पकड़ पाएंगे, तीर से मार गिराओ गधे को, ऐसा करना खतरनाक होगा। वादा तीर बिटिया रानी को भी लग सकता है, वो यह भी एक समस्या होगी। क्या नाम है इसका, ये चाचा कह रहे हैं। डाकू काफ़ी देर तक गधे का पीछा करते रहे, लेकिन वह एक आंख वाला गधा असाधारण था। शीघ्र ही उसने अपनी तेज गति से घोड़ों को मात दे दी। ओफो वह हमारी पकड़ से काफ़ी दूर निकल चुका है, अब उसका पीछा करना बेकार है, चलो वापस लौट चलो। लेकिन चाचा अब हम सरदार को क्या जवाब देंगे, सब कुछ जान सुनकर तो वह में कच्चा सबक जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल वापस लौट चलो, कहीं ऐसा ना हो कि आगे हम किसी और मुसीबत में फंस जाएं। और सब उदास से वापस लौट पड़े। फिर जैसे वे अड्डे पर पहुंचे, डाकू पकड़े फक्कड़ सिंह भी अपने कुछ साथियों के साथ वहां आ पहुंचा। सरदार तुम लौट आए, बाकी साथी कहाँ हैं, और जिस शिकार की तलाश में तुम गए थे उसका क्या हुआ। वह सब छोटे बलवान सिंह के साथ उसी शिकार को जाल में फांसने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तुम यह बताओ कल्लन की यहाँ क्या क्या घपला हुआ है। घपला हाँ सरदार हुआ है, लेकिन इस बात का तुम्हें कैसे पता चला। अरे कल्लन मियाँ इतने वर्षों से मेरे साथ रहते हुए भी यह भूल गए कि मैं ज्योतिष विद्या जानता हूँ। बताओ यहाँ क्या घपला हुआ, उस कैदी ने क्या गड़बड़ की है। उस कैदी ने तो नहीं सरदार, लेकिन उसके एक आंख वाले गधे ने यहाँ बहुत उद्दम मचाया, और अंत में बिटिया रानी वह उस कैदी को लेकर भाग गया। तड़ाक आह क्या बकते हो, कम बकते हो, जल्दी बताओ तुम लोगों के रहते हुए यह सब कैसे हुआ, वरना मैं एक की खाल खींच लूँगा। तब बूढ़े कल्लन ने डाकू फक्कड़ सिंह को सब कुछ बता दिया।
उन्हें यहाँ से गए हुए कितनी देर हुई है? लगभग 1 घंटा सरदार। हम तब तो उन्होंने अभी जंगल भी पार नहीं किया होगा। सुनो, तुम सब यहीं रुकोगे और बलवान सिंह जो माल लाए उसे हिफाजत से मेरे कमरे में रख देना। बंटवारा मैं आकर करूँगा। फिलहाल मैं उस धूर्त से निपटने जा रहा हूँ जो अपने साथ साथ मेरी बेटी को भी भगा कर ले गया। ठीक है सरदार। अगले पल वह दौड़ा दौड़ा अपने उस कमरे में जा पहुंचा जिसमें उसका जादुई गलीचा रखा था। यह वह गधा जाए कितना ही तेज क्यों दौड़ने वाला हो, मेरे इस जादुई गलीचे से पार नहीं पास करेगा। चल जादुई गलीचे, मुझे एक आंख वाले गधे के पास ले चल जिस पर मेरी बेटी कामनी और ठंडन गोपाल नाम का युवक सवार है। उसके कहते ही गलीचा कमरे से बाहर निकल कर एक तरफ उठ चला। उधर एक आंख वाला गधा कामनी और ठंडन गोपाल को लिए दौड़ा जा रहा था कि अचानक हा 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 भागकर कहाँ जाओगे बच्चों, हे ईश्वर प्यारे गधे भाई और तेज दौड़ो वरना वह बुढ़ऊ हमें पकड़ लेगा और हमारी चटनी बना देगा। अब कुछ नहीं हो सकता प्रियतम, बापू के जादू गलीचे से तेज कोई नहीं दौड़ सकता। यह लड़की ठीक ही कह रही है दोस्त, अब मैं भी मजबूर हूँ। अच्छा ही होगा कि तुम दोनों मेरी पीठ से उतर कर कहीं छुप जाओ वरना तुम्हारे साथ साथ मेरी भी शामत आ जाएगी। क्या यह तुम क्या कह रहे हो मित्र? वक्त बर्बाद मत करो दोस्त, जल्दी से मेरी पीठ से उतर जाओ। लेकिन ओफो तुम मुझे भी मरवाओगे इसलिए मजबूरी है। अर वही गिरा दिए बहुत चालू गधा ये तो। हाय उई माँ, हा हा हा, आखिर उस कमबख्त गधे ने भी बुरे वक्त में उनका साथ छोड़ दिया। ऐ जादुई गलीचे मुझे उनके पास जमीन पर उतार दो। हाय प्रियतम अब क्या होगा, बापू तो सर पर आ पहुँचे हैं, न छिपने का मौका न भागने का समय। घबराओ नहीं प्रिय, और मुझे यह बताओ कि क्या तुम्हारे बापू का जादुई गलीचा हर किसी की आज्ञा का पालन करता है? ठंड गोपाल का तेज दिमाग उस बुरी घड़ी में भी काम कर रहा था। हाँ लेकिन आज्ञा उसी की मानता जो उस पर सवार हो, वह फिर तो बन गया काम। सुनो फिर ठंड गोपाल जल्दी जल्दी उसके कान में कुछ फुसफुसाने लगा खुसर फुसर, और उसके बाद ठंड गोपाल पास के ऊँचे से पेड़ के ऊपर सिगरी चढ़कर बैठ गया। सिगरी डाकू पकड़ सिंह कामनी के पास उतरा। अरे मूर्ख निकम्मी लड़की, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि मुझे धोखा देने का प्रयत्न करें? खैर तुझसे तो मैं बाद में समझूंगा, पहले उस बदमाश की गर्दन काट कर लाता हूँ। जल्दी से गलीचे के ऊपर पहुँचूँ। पेड़ पर चढ़कर वह मूर्ख यह समझता है कि मेरे हाथों से बच जाएगा, अभी बच्चों का मजा चखाता हूँ। इधर कामनी झटपट गलीचे पर आकर बैठी। उधर चतुर ठंड गोपाल की योजना से बेखबर जैसे डाकू पकड़ सिंह पेड़ की सबसे उच्च शाखा पर बैठे ठंडन गोपाल के निकट पहुंचा। ठंडन गोपाल ने तुरंत नीचे छलांग लगा दी। ठंडन गोपाल ठीक गलीचे के ऊपर गिरा। अरे वह तो मुझे मूर्ख बना गया, लेकिन आज वह मेरे हाथों बच नहीं पाएगा। लेकिन जब तक सरदार कुछ कर पाता, ऐ जादुई गलीचे हमें लोहागढ़ के राजा दुर्जन सिंह के महल में ले चलो। गलीचा उन्हें लेकर तुरंत हवा में उड़ा, लेकिन ठीक तभी फकड़ सिंह ने भी गलीचे पर छलांग लगा दी। लेकिन आह धक्का दे दिया। बेचारा फकड़ सिंह अपने आप को संभाल नहीं पाया और धरती पर गिरकर बेहोश हो गया। आई तुम तो सचमुच बहुत चतुर हो जी। हाँ लेकिन जिंदगी में पहली बार मूर्ख भी बना, यदि जरा सी होशियारी से काम लिया होता तो उस गधे से धन भी वापस ले लेता। कमबख्त में गिरा कर भाग गया। कुछ देर बाद वह जादुई गलीचा उड़ता हुआ राज दरबार में प्रविष्ट हुआ। अरे आए ओ यह तो ठंडन गोपाल है, लेकिन इसके साथ वह सुंदरी कौन हो सकती है? महाराज की जय हो। यह सब क्या चक्कर है ठंडन गोपाल, और क्या तुम हमारा काम पूरा कराए? क्षमा करे महाराज, मैं आपका कार्य पूरा नहीं कर सका क्योंकि जंगल के मार्ग में मुझे डाकू फक्कड़ सिंह ने पकड़ लिया था और फिर ठंडन गोपाल के ने सारी आप बीती सुना दी। सब कुछ सुनकर क्या तुम ठीक कह रहे हो ठंडन गोपाल, यह लड़की डाकू फक्कड़ सिंह की बेटी है? जी हाँ महाराज, यह 100% सच है। तब हमें जल्दी से डाकू फक्कड़ सिंह के अड्डे का पता बताओ ठंडन गोपाल। ठंडन गोपाल ने पता बता दिया। महामंत्री जी, आप ठंडन गोपाल और उसकी प्रेमिका को शाही मेहमान खाने में ठहराइए और कर्मचारियों को आगाह कर दीजिए कि वे इनकी सुख सुविधा का पूरा पूरा ध्यान रखें। जो आ गया महाराज। चलो ठंडन गोपाल, ठहरे महामंत्री जी, जरा मैं अपना जादू गलीचा भी साथ ले लूँ। ठीक है।
कृष्ण ने गोपाल ने गलीचे को लपेट कर बगल में दबाया, फिर कामनी को साथ लेकर महामंत्री के साथ हो गया हो लिया। उनके जाने के बाद उसने, सेनापति जी आप तुरंत फौज लेकर उजार जंगल जाइए और डाकू फकट सिंह के अड्डे पर धावा बोलकर सबको गिरफ्तार कर लीजिए। ध्यान रहे इस काम में जरा भी विलंब न हो वरना सब फरार हो जाएंगे। आप चिंता न करें महाराज, इस बारे में मेरे चंगुल से नहीं निकल पाएंगे। सेनापति ने फौज के साथ डाकू फकट सिंह के अड्डे पर हमला किया। डाकू फकट सिंह था उसके साथी उस समय वहाँ से भागने की तैयारी कर रहे थे, अतः वे अपने हथियारों को का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाए। और कुछ ही देर के युद्ध के पश्चात उन्होंने हथियार डाल दिए। ले सो इन्हें। अगले दिन सुबह दरबार में, महाराज हमने अधिकांश डाकुओं को जिंदा ही गिरफ्तार कर लिया, बाकी सारे डाकू तो कैद खाने में है, लेकिन इनका सरदार फकट सिंह आपके सामने है, इसे भी कैद खाने में डाल दो। आज से 3 दिन बाद हम इन सब की जिंदगी और मौत का फैसला करेंगे। जो आ गया महाराज। जब सैनिक सेनापति के इशारे पर डाकू फकट सिंह को लेकर वहाँ से चले गए, महाराज ठंडन गोपाल की वजह से हमारी एक बहुत बड़ी समस्या हल हो गई। यदि आप बुरा न माने तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि ठंडन गोपाल का मुँह मांगा धन इनाम में देकर उसे सम्मानपूर्वक विदा किया जाए। हाँ महाराज, मैं भी आपसे यही कहना चाहता था। यह सब तो ठीक है महामंत्री जी एवं सेनापति जी, इनाम का तो वह वास्तव में हकदार है, लेकिन केवल तभी जब वह हमारी शर्त पूरी कर दे और हमारी परीक्षा में खरा उतरे। हम आपका तात्पर्य नहीं समझे महाराज। मतलब आप लोग अभी समझ जाएंगे। जरा उस चतुर ठंठन गोपाल को तो बुलवाइए। जी महाराज। जाओ शाही मेहमान खाने से ठंठन गोपाल को आदरपूर्वक यहाँ लेकर आओ। जो आज्ञा आज्ञा। शीघ्र ही महाराज की जय हो। आपने मुझे याद किया महाराज। हाँ ठंठन गोपाल, हमें इस बात की बहुत खुशी है कि तुम्हारी मदद से कुख्यात डाकू फकट सिंह और उसके साथी पकड़े गए। वह फिर तो आपकी बहुत बड़ी समस्या हल हो गई महाराज, और शायद आपका मुझे जंगल के रास्ते पड़ोसी देश भेजने का उद्देश्य भी यही था। तुम बिल्कुल ठीक समझे ठंठन गोपाल। तब महाराज आपका मकसद पूरा हुआ। अब कृपया कर मेरी जान बख्शिए और मुझे अपनी प्रियतमा कामनी के साथ जाने दीजिए। जरूर जान देंगे ठंठन गोपाल, और बाकायदा इनाम के साथ। ठहरिए महाराज, मुझे इनाम के चक्कर में मत फांसिए। मुझे इनाम विनाम कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरी सुख और शांति को पहले की तरह बहाल कर दीजिए। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका इनाम मुझे बहुत महंगा पड़ेगा। वह तो इनाम न लेना भी बहुत महंगा पड़ेगा ठंठन गोपाल, क्योंकि तुमने अभी तक हमारी शर्त पूरी नहीं की और न ही हमारी परीक्षा में खरे उतरे हो। मैं आपका मतलब नहीं समझा महाराज। हमने तुम्हें एक 9 लखार, 4 लाल और 1 बेशकीमती हीरा अपने मित्र राजा को देने के लिए दिए थे, जो कि तुमने उन्हें नहीं सौंपे हैं। हम चाहते हैं कि वह धन अब तुम हमें लाकर दो तो भी तुम्हारी जान बच सकेगी, वरना हा हा हा। तो महाराज अभी मेरा पीछा छोड़ने वाले नहीं है, वे मेरी बुद्धि का दिवाला निकालना चाहते हैं। ठीक है, यदि मैंने भी इनका बाजा ने बजा दिया तो मेरा नाम भी नाम ठंठन गोपाल नहीं। ठीक है महाराज, मुझे 7 दिन का समय दीजिए, मैं आपका धन आपको वापस लौटा दूंगा। शाबाश, समय तुमसे यासैती जाओ और जाकर उस गधे को तलाश करो जो हमारा धन खा गया। तब तक तुम्हारी प्रेमिका हमारे यहाँ बंधक के रूप में रहेगी। ठंडन गोपाल मन महसूस कर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद, यह आपने क्या किया महाराज, वह चतुर रुष्ट होकर आपका अहित भी कर सकता है। नाराज होकर चला गया। हाँ हाँ, इस हालत में उसे अपनी प्रियतमा से हाथ धोने पड़ेंगे। पता नहीं महाराज को यह क्या सनक सवार होगी, स्वयं ही एक सुखी इंसान का सुख और शांति छीन रहे हैं, आखिर क्यों। तो दोस्तों, ठंडन गोपाल राजा की माता राजा को वापस लौटा सका एक आंख वाले गधे का रहस्य क्या है, यह तो मुझे भी जानना, मुझे याद ही नहीं इस कौम से क्या हुआ था। आखिर राजा का बाजा कैसे बजा और उसका दिवाला कैसे पिटा, फकट सिंह का क्या हुआ, क्या राजा कैद से निकल सका, ठंड गोपाल की पत्नी कामनी का क्या बना, इन सब के लिए पढ़ेंगे इसका आखिरी पार्ट, जिसका नाम है राजा का बज गया बाजा। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही शानदार सीरीज चल रही है, इसके आगे पार्ट मुझे भी ध्यान नहीं है उसमें क्या हुआ था। तो अगर आपको ये कॉमिक्स अच्छी लगी है तो कम से कम इस कॉमिक्स की सीरीज के लिए ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें।
ताकि मैं आपके लिए इससे भी अच्छी कौम से बार आगे भी डालता रहूं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में जो फाइनल है।